साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शुगर मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ में सारे मनी के ब्लॉकेजेस को खोल देगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो आपके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। जिसके पास में पैसा नहीं होता है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा आज की ज़िंदगी में इतना ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में पैसा है तो आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, आपको नोटिस किया जाएगा। लेकिन आपके पास में यदि पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपको मान सम्मान नहीं देगा। तो पैसा आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी किसी भी आवश्यकता को पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी आपको पैसे की। अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके साथ में आपकी लाइफ में मनी चैलेंजेस चल रहे हैं, मनी के ब्लॉकेजेस हैं, तो आज की जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ आप किसी भी मंडे को, ठीक है, यानी कि सोमवार के दिन में कर सकते हैं, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं। एक ही दिन ये टेक्निक आपको करनी है। इसके अलावा आप इसको पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। जैसे आपने मंडे के दिन में किया, फ्राइडे के दिन में किया, लेकिन अगर पूर्णिमा के दिन में करते हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। देखिए करना क्या है, इसमें कुछ सामान को आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको ले लेना है कांच का जार, कांच की कोई भी ग्लास वगैरह, कोई ऐसा जार ले लें जिसमें ढक्कन लगा सकें, ठीक है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से नया ही लेकर आना है। आपने घर में यदि कोई कांच का जार वगैरह रखा हुआ है, कांच का कोई ग्लास वगैरह रखा हुआ है जिसमें ढक्कन लगा सकते हैं, तो उसी को शुद्ध पवित्र करके उसी में इस टेक्निक को आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, कोई भी कांच का जार अगर बाहर से लेकर के आ रहे हैं तब भी उसको पवित्रीकरण करें, घर में रखा हुआ है तब भी उसको पवित्र करें। जैसे घर में रखा हुआ है तो उसको स्वच्छ कर लें, पहले वॉश कर लें उसको, उसके बाद में गंगा जल से थोड़ा सा साफ कर लें, उसके बाद में गुलाब या चंदन की अगरबत्ती आपको जला करके उसका थोड़ा सा धुआं उसमें दिखा देना है, तो पूरा उससे क्या होगी, नेगेटिव चीज उसकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक तेज पत्ता लेकर के उसमें जला करके उस बोतल में आपको डाल देना है। उसका जब धुआं हो जाएगा तो धुआं निकलने के बाद में जो तेज पत्ता की जो ऐश होगी उसको आपको बाहर कर देना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको चीनी ऐड कर देना है। रसोई में जो आपकी चीनी रहती है वाली चीनी इसमें आपको डाल देनी है। प्रयोग आपको करना है मंडे या फ्राइडे, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूँगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि काफ़ी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करा लें। क्योंकि अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होगा या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स अनबैलेंस होंगे तो कोई भी रेमेडीज़ वर्क नहीं करेगी। मेरे या जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं सभी की रेमेडीज़ क्या होती हैं, जनरल होती हैं। आपके बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट आ जाएगा, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। तो किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान बर्थ चार्ट के हिसाब से चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको प्रयोग को आपको करने के लिए आपने कांच का जार लिया, उसमें आपने चीनी ऐड कर दी। अब एक वाइट कलर का आपको पेपर लेना है, बिना लाइनिंग वाला वाइट कलर का पेपर, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर आपको लिखना है 520। कलर आप ग्रीन यूज़ करेंगे या फिर रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। 520 आपने लिखा, उसके जस्ट नीचे आपको लिख देना है सॉरी दोस्तों सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे 808 रेड कलर से या ग्रीन से, ठीक है। 808 उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 520 और उसके जस्ट नीचे आपको लिख देना है 741, ठीक है।
उसके बाद में आपको लिख देना है 11 टाइम्स धन 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 धन, और उसके जस्ट नीचे आपको लिख देना है श्रीम, मतलब कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको अपने तरफ फोल्ड करेंगे, जो कागज आपने लिखा हुआ है तो अपने तरफ आपको 2 या 3 बार इसको फोल्ड कर देना है, सीधे हाथ में इसको रखना है, मुट्ठी बंद करना है, और जो नंबर आपने उसमें लिखा हुआ है उसका आपको 11 टाइम्स आपको चैंट करना है। चैंट कैसे करेंगे, 8085207401 8085207401 11 टाइम्स आपने चैंट कर लिया। उसके बाद में 11 टाइम्स से आप टाइम आपको बोलेंगे धन 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 धन, ठीक है। और फिर उसके बाद में 108 बार आपको चैंट करना है श्रीम 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 श्रीम, ठीक है। 108 बार आपने श्रीम मंत्र का चैंट किया, उसके बाद में इसको उठा करके, और आपने जो बोतल ली हुई थी कांच का जार लिया हुआ था, चीनी के बीचों बीच इस चिट को आपको दबा देना है। अब थोड़ा सा यदि गुलाब का इत्र आपको मिल जाए, या गुलाब का परफ्यूम मिल जाए, या फिर चंदन का इत्र मिल जाए, या चंदन का परफ्यूम मिल जाए, तो ये इसमें थोड़ा सा इसको स्प्रे कर देना है, और आपको ढक्कन इसको लगा देना है। अब इसको उठा करके आपको अपने घर की ईशान डायरेक्शन हो गई, उत्तर दिशा हो गई, ईस्ट नॉर्थ का कॉर्नर है वो सबसे बेस्ट होती है, वो नहीं मिल पा रहा है तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में कहीं भी इस बोतल को आपको परमानेंट आपको रख देना है। और बस आपको क्या करना है, डेली जब जैसे डेली की जो पूजा पाठ आप करते हैं घर में, तो इसमें क्या करना है, धूपबत्ती दिखा करके, और जो नंबर आपने लिखा हुआ था 8085207401 इसका 11 टाइम्स आपको चैंट करना है, और आपको 11 टाइम्स बोलना है धन 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 धन, और 108 बार बोलना है श्रीम 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 श्रीम। बस ये आप करना शुरू कर दीजिए, 2 से 3 दिन में आप देखेंगे दोस्तों चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये रहेगा, एक तो यहाँ पर एंजल नंबर हो गया आपका, ठीक है। एंजल नंबर जो होगा मनी को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। अब आपने उसके नीचे आपने अपने इंटेंशन डाल दिए हैं, इंटेंशन क्या डाले कि आपको धन की जरूरत है, उसके साथ में आपने क्या किया है, माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो कि धन को आकर्षित करेगा, जो इम्पॉसिबल भी होगा तो उसको पॉसिबल करेगा, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार या फिर सोमवार या पूर्णिमा के दिन में एक बार करके इसको रख दीजिए, उसके बाद में देखिए आपकी लाइफ में चमत्कारिक रूप से धन पैसा आना शुरू हो जाएगा, मनी के सारे ब्लॉकेजेस आपके बिल्कुल हट जाएंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि मतलब कि देखिए कर्म करने पड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका भाग्य जो होगा वो आपका साथ देना शुरू कर देगा। मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो आपका जो गुड लक है वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा, चारों तरफ से धन प्राप्ति के रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है, है ना। तो पूरे विश्वास से टेक्निक को अपनाइए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स दे करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे, शेयर जरूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी आपकी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।